चलो लिख लिया बेटा। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे लिए बनते हैं, क्वेश्चंस लिख लें एक बार, वो हमको ध्यान रखने हैं। पहला हम बात करें, क्वेश्चन है कि निम्न में से हरित गृह प्रभाव वाली गैस है, ठीक है। इंग्लिश में हम कहें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, ठीक है, कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर ऑप्शंस क्या है वो ध्यान से देख लेना, जिसका ध्यान इधर नहीं है इधर देख ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंपल से क्वेश्चन है पर गलत होते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास टोटल ऑप्शन जो है वो चार ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक हमको ऑप्शन दे दिया इसके अंदर CO2, एक ऑप्शन दे दिया हमको CH4, एक ऑप्शन दे दिया N2O, एक ऑप्शन दे दिया NO2, हरित गृह प्रभाव वाली गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? NO2, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एग्जाम में जाते जाते ये टू जो इधर लगा वो इधर लग जाता है, ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये हो क्या रहा है, मतलब कहां पर टू इधर था वहां चला गया, तो गलत होता, ठीक है। तो पहला तरीके का क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, इसी के ऑप्शन चेंज करके हम दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि यहां पर हमारे चार ऑप्शन है वो वापस चेंज हो जाएंगे। एक हो जाएगा N2O, ठीक है, एक हो गया हमारे पास इसके अंदर CH4, एक हमको दे दिया SO2 और एक हमको दे दिया इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या है, कौन नहीं है, ठीक है, तो कौन सा आ गया बेटा? SO2, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो समझ ले। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन अपन से कहता है कि चार ऑप्शन जो है वो फिर से वापस अलग हो जाएंगे। एक हो गया CH4, एक हो गया CFC, एक अपन को इसके अंदर दे दिया उन्होंने O3 और एक उन्होंने अपन को दे दिया बेटा इसके अंदर N2O। अब आंसर क्या जाए? सर आपने तो अभी टेबल के अंदर बताया कि O3 भी है, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि योगदान जो है CH4 का कितना हो गया बेटा 20%, CFC का 14%, N2O का 6%, लेकिन O3 का जो है वो लगभग लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि बिचारी खुद ही प्रेजेंट 2 से 8 ppm के बीच में है, कितना हरित गृह प्रभाव करेगी, बहुत कम सा, ठीक है, तो इस वजह से इसको काउंट नहीं किया जाता। तो अब आंसर क्या जाएगा? O3, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस चेंज होंगे और हमारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे, तो इस तरह से ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। दूसरा अपने लिए जो क्वेश्चन है वो आता है इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जो भी हमको दी हुई है गैसेज उनमें से निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। वापिस वही चार ऑप्शन अपने पास, एक दे दिया आपको N2O, एक दे दिया NO2, एक दे दिया N2O3, एक दे दिया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है, कौन सी हो गई? N2O, ठीक है। इसके अलावा बात करें, अगला अपने पास जो यहां पर ऑप्शन बनता है वो अपन कह सकते हैं क्या दे दे, CH4, O3, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, हाँ, क्या आएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये अपने पास जो ऑप्शन, हाँ, ऑल ऑफ द अबव, वो भी सही है, ऑल ऑफ दीज लिखो वो भी सही है, इसका मतलब है उपरोक्त सभी, ठीक है। अब यहां पर देखना बेटा, यहां पर तो हमने लिखा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, उसमें लिखा ओजोन और ऑल ऑफ द अबव आंसर गया, यहां पर हमने क्या लिखा, नहीं है, और हमारा आंसर क्या गया? O3। क्यों गया ये समझ में आ गया, ये डिफरेंस हमारे लिए है, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है अपने लिए उसकी बात करें तो यहां पर पूछा जाता है कि सर्वाधिक योगदान कौन सी हमारी जो गैस है उसका होगा, ठीक है। तो आप वैसे जानते हैं CO2 आएगा आंसर, ठीक है, CO2 दिया ही नहीं,
CH4, CFC, CO2 और O3 क्या आएगा आंसर? CO2 है। क्या आएगा? CO2। ठीक है, मैंने कहा कि नहीं आया ऑप्शन में और मैंने बाद में लिख भी दिया, तुमने सीधा CH4 कर दिया। ठीक है, इसीलिए कहता हूं ऑप्शन एक बार देख लो क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, वहीं पर ये इतनी सी क्षणिक सी गलती है जो बेटा गलत कर जाती क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? CO2। अगला जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी गैस है? ठीक है, चार ऑप्शन वही CO2, CFC, N2। सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो है इसको माना जाता है। पावर की बात करें लगभग कितनी गुना ज्यादा ये होती है, कितनी गुना ज्यादा प्रभावशाली है, तो हम कहते हैं लगभग 30 गुना या फिर 30 से 35 गुना के आसपास ज्यादा प्रभावशाली होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, इसीलिए सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी मानी जाएगी? CFC। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपन बात कर ही चुके हैं, आप जानते ही हो कि मार्स गैस किसको कहा, या फिर हमारे राइस फील्ड से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है वो। एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है उसकी बात करें कि धान का जो खेत है गेट से निकलने वाली जो गैस है उसका सही क्रम क्या होता है? ठीक है, ठीक है, पहला आपको ऑप्शन दे दिया CH4, SO2, CO2, दूसरा ऑप्शन दे दिया CH4, CO2, SO2, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको CO2, CH4 और SO2, और लास्ट ऑप्शन आपको दे दिया बेटा इसके अंदर CH4, CO2 और SO2। सेम तो कोई नहीं है, चलो ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ ऑप्शन। आपको ये वाला और ये वाला सेम लग रहा होगा, फिर कौन से ऑप्शन सेम लग रहे थे? ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप तो? ओके, एग्जाम में ये होता है वहां पे सेम हो जाते हैं, ये दोनों एक जैसे ही तो है। चलो लिख लो इसको, एसिड रेन किसकी वजह से होती बेटा? और SO2 और NO2 या N2O3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड है सभी की वजह से होती है। ठीक है, एक तो SO2 और नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड, ज्यादातर जो काम आती है वो कौन सी आती है? अपनी NO2। ठीक है, NO2 जो है सबसे ज्यादा आती है, आप उसके अंदर देखेंगे तो उसमें NOx लिखा हुआ होता है। कारण क्या है कि आप वहां जितनी पावर लगाना चाहे लगा सकते हो, NO भी लगा सकते हो, NO2, NO3 जितनी भी लगाए, तो वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है तो वो काम आते हैं। ताजमहल पीला क्यों पड़ गया बेटा? एसिड रेन की वजह से। चलो लिखा, जल्दी लिखें। Thank you.
जल्दी से लिख लो, लिख लिया नहीं लिखा, जल्दी लिखो। क्वेश्चन समझ में तो आ गए क्या पूछ रहे हैं? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं अगर इसके ऊपर आएंगे तो, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आज की कह सकते हैं कि हमारे लिए एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, तो उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इसको अच्छे से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना। एक आपने पुराना जो मूवीज है उसके अंदर डायलॉग सुना होगा कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचना पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनर को अगर पकड़ना है तो आपको एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर क्या दे सकता है और क्या ऑप्शंस दे सकता है, किस तरह से दे सकता है ऑप्शंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट बनकर ही रह जाते हैं और हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाते कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है और हम क्या आंसर दे रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने माइंड को विकसित करो। चलो नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, ठीक है, इसको रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये खत्म नहीं हुआ। इसमें एक बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो कितना आएगा। समझ तो लो पहले क्या करना है, अभी कन्वर्ट करके बता देते हैं सर, जिसको नहीं आता उनके लिए, है ना। यहां पर बात करें टेम्परेचर की, जब हम बात करते हैं बेटा, तो जब आपकी ऑब्जर्वेटरी में या फिर आपकी जो लैब है मेट्रोलॉजी की, उसके अंदर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो दो तरह के टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं। एक टेम्परेचर तो होता है किसका, सॉइल का, किसका होगा, सॉइल का। एक टेम्परेचर होता है किसका, एयर का, किसका, हवा का, ठीक है। दो टेम्परेचर होंगे, धरती अलग टेम्परेचर पर होगी और हवा अलग टेम्परेचर पर होगी, नॉर्मल सी बात है, हो सकता है बराबर भी हो जाए पर ज्यादातर जो है वो क्या होगा, अलग होगी। अब अगर हमें सॉइल का टेम्परेचर मापना है तो हम क्या यूज करेंगे, सॉइल थर्मोमीटर, ठीक है। और अगर हमें एयर का टेम्परेचर मापना है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं बेटा, स्टीवेंसन स्क्रीन, क्या यूज करते हैं, स्टीवेंसन स्क्रीन, ठीक है। अब ये स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होती है वो समझ लो, बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर, दो चार पॉइंट याद रखने हैं और हमारा जो है एग्जाम का सारा काम इससे हो जाता है, ठीक है। पहली चीज याद क्या रखना बेटा, कि स्टीवेंसन स्क्रीन होती क्या है। तो हम कहेंगे सर स्टीवेंसन स्क्रीन जो है वो कुछ नहीं है, एक लकड़ी का बॉक्स है। क्या है, लकड़ी का बॉक्स, ठीक है। लकड़ी की खपच्चिया लगी हुई होती है, बॉक्स बना हुआ होता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या होती बेटा, कि इसका जो दरवाजा होता है, एक बॉक्स है, बॉक्स है तो दरवाजा हो गई होगा, नहीं होगा क्या, होगा। तो ये जो बॉक्स होता है इसका जो दरवाजा है बेटा, वो दरवाजा किस तरफ होता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसका जो गेट है वो कौन सी दिशा में होता है, उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, या हम कहें नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ होगा। पहली चीज ये याद रखनी है, ये लकड़ी का एक हमारे पास क्या है, बॉक्स है। इसकी खास बात क्या है कि जिस तरफ दरवाजा है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ये जो बॉक्स है उसके अंदर बीच में या तो छेद किए जाते हैं या फिर जो भी यहां पर लकड़ियां लगी है उसके बीच में गैप रखा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि एयर जो है वो यहां से आए और इधर से वापस चली जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये किस लिए रखा जा रहा है बेटा, ताकि एयर का फ्लो है वो चलता रहे, क्योंकि हमें टेम्परेचर किसका मापना है, हवा का ही तो मापना है, हवा ही नहीं जा रही इसके अंदर तो किसका टेम्परेचर मापोगे, ठीक है। इसलिए ये जो है यहां पर इसके होल्स रखे जाते हैं। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी बेटा, यहां पर एक स्टैंड जो है वो स्टैंड होता है और इस स्टैंड पर दो थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है। दो थर्मोमीटर जो है वो यहां पर रखे जाते हैं, ठीक है। एक जो थर्मोमीटर होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, उच्चतम तापमापी, क्या बोलते हैं इसको, या अधिकतम तापमापी आप कह सकते हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम थर्मोमीटर, क्या कहेंगे बेटा, मैक्सिमम थर्मोमीटर,
ठीक है। अब बताओ मैक्सिमम थर्मोमीटर क्या मापेगा, अधिकतम तापमान, सिंपल सा। दूसरा हम बात करें, एक और थर्मोमीटर होता है बेटा, ये थर्मोमीटर है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूनतम तापमापी, क्या कहेंगे, न्यूनतम तापमापी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम थर्मोमीटर, क्या कहेंगे बेटा, मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। ये क्या मापेगा, न्यूनतम ताप मापेगा, ठीक है। चलो अब हमें ये भी अच्छे से पता है, पूरे दिन का उच्चतम ताप जो है या सर्वाधिक जो टेम्परेचर है वो कब आता है, 2 बजे के आसपास, ठीक है। तो इसकी रीडिंग कब लेंगे बेटा, दिन में 2 बजे के आसपास। न्यूनतम ताप मापी जो है बेटा वो 4 बजे रीडिंग ली जाएगी, क्योंकि 4 बजे सबसे कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जो मैक्सिमम थर्मोमीटर है उसमें क्या भरा जाता है, कौन सा एल्कोहल। बुखार हुआ है तुम्हें कभी, बुखार हुआ है क्या कभी, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर थर्मोमीटर लेके आता है, नहीं लेके आता, डायरेक्ट गोली दे देता है, खाओ तुम तो जियो जी भर के। टेम्परेचर चेक करता है तो उसके अंदर क्या भरा होता है, बस। तो वो किसके लिए कर रहे हैं, बुखार में टेम्परेचर बढ़ गया वो मापने के लिए। तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो मापेंगे उसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे सर उच्चतम ताप मापी में क्या होता है, मर्क्यूरी होती है, क्या होती है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, पारा, ठीक है। हाँ एच जी कह सकते हो, मर्क्यूरी है, एच क्यू नहीं है बेटा, एच जी होता है, एच जी कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात करें न्यूनतम ताप मापी, ये क्या मापेगा, सबसे कम टेम्परेचर, ऐसी चीज जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जमती नहीं है, पानी जम जाएगा, ठीक है। मर्क्यूरी है वो नहीं कर पाएगी, वो भी इतना टेम्परेचर सही नहीं दे पाती, कौन दे पाएगा बेटा, स्पिरिट, कौन, स्पिरिट, ठीक है, उसको स्पिरिट कहेंगे एक तरह से, ठीक है। इसके अंदर जो है बेटा वो क्या होता है, स्पिरिट होता है, या स्पिरिट आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, स्पिरिट होगा, ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो, अल्कोहल कह सकते हो, ठीक है। अल्कोहल या स्पिरिट जो है उसका उपयोग जो है इसके अंदर किया जाता है। कारण क्या है कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से नीचे भी चले गए तो भी वो जमता नहीं है, इसीलिए वो सही रीडिंग दे देता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज कि ये यहां पर उच्चतम तापमापी है, न्यूनतम तापमापी है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर करेगा, ये लोवेस्ट टेम्परेचर मेजर करेगा, तो इनके अंदर जो यहां पर रीडिंग दे रखी है बेटा ये अलग होगी या सेम होगी, ये न्यूनतम माप रहा है, ये उच्चतम माप रहा है, रीडिंग सेम होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम मापेगा, ये उच्चतम माप रहा है, इसका काम अलग है, इसका अलग है, तो रीडिंग सेम हुई तो फिर कैसे पता लगे, है ना। तो इसीलिए दोनों की जो रीडिंग होती है वो रीडिंग भी अलग होती है। रीडिंग की बात करें बेटा कहां से कहां तक होती है, तो ये अपने लिए एक जो क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो ये कहां से कहां तक होता है बेटा, -35 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो इसमें से 5 कम कर दो, ठीक है, कितना हो गया, माइनस या -30 होगा, कहां तक होगा, +50 तक, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है, समझ में आ गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने बात कर ली, एक और इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, हमने बात ही नहीं करी, ये जो स्टीवेंसन स्क्रीन है बेटा, ये जो लकड़ी का बॉक्स आप रख रहे हैं उसको किसी जगह पर रखना तो पड़ेगा, जमीन पे थोड़ी रख दोगे, जमीन पे रखा तो जमीन का टेम्परेचर माप लेगा, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, जमीन से ऊपर रखते हैं, कितना ऊपर रखते हैं, तो हम कहेंगे 1.22 मीटर ऊपर रखा जाता है, ठीक है, लगभग 1.22 मीटर जो है उसको अपन कह सकते हैं बेटा, कितना हो गया, लगभग लगभग जो है वो 5 से 5.5 फीट के आसपास हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे बिल्कुल सर के सामने हम वहां आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तो हमें क्या याद रखना बेटा, ऊंचाई
कि स्टीवेंसन स्क्रीन कितनी ऊंचाई पर रखी जाती है, तो 1.22 मीटर के ऊपर रखी जाती है। स्टीवेंसन स्क्रीन किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे लकड़ी की बनी होती है। इसका दरवाजा कौन सी दिशा में होता है, उत्तर दिशा में। इसके अंदर क्या रखा जाता है, दो थर्मोमीटर, एक उच्चतम और एक न्यूनतम। किसका तापमान मापते हैं, हवा का, वायु का, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे थर्मोमीटर है उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, मैक्सिमम में पारा और न्यूनतम में अल्कोहल या स्पिरिट, ठीक है। फिर बात करें इसकी टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, तो हमें क्या याद रखना है बेटा, पांच के साथ पांच और जीरो के साथ जीरो, बस इतना याद रखना है, ठीक है। -35 से +55 और -40 से +50, ठीक है। अब यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस रहा ना बेटा, +50 कम है या +55, +50 कम है, -40 कम है या -35, -40। तो ये न्यूनतम मापेगा और ये उच्चतम माप लेगा, बस ये इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है मेन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसको बना लो, इसी से याद रखना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हेडिंग, हेडिंग डाल दो, स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन। लिख दिया स्टीवेंसन स्क्रीन। तो एक कई जगह इसकी साइज भी पूछते हैं कि इसकी साइज क्या होती है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट जो है वो लगभग कितनी होती है बेटा, 56 × 30 × 40 होती है, और ये सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है। आपके लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट बनता है, वहां पूछ सकते हैं। अब ये मत पूछना सर सुबह 4 बजे उठ के रीडिंग कौन लेता है, जिसको काम दिया जाता है वो उसको रीडिंग लेनी पड़ती। इससे समझ में तो आ जाएगा क्वेश्चन, या लिखो सारा का सारा, ठीक है, बना लो जल्दी सब। वैसे तुम समझदार हो सारे, Yeah, yeah.